दोस्तों, हरिओम एएलपी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आज आपके बीच कल की तरह इसी प्रकार आगे की क्लास शुरू करते हुए मैं आप सभी का इस समय हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मुझे अभी इस समय आपको यह बताते हुए अत्यंत ही हर्ष हो रहा है कि आप सभी विद्यार्थियों ने मेरा निरंतर शुरू से लगा करके अब तक का जो साथ दिया है, और मैं यही चाहूंगा कि भविष्य में भी आप इसी प्रकार से मेरा साथ देते रहे। इसी आशा के साथ मैं आप सभी का एक बार पुनः हरिओम एएलपी क्लासेस की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। देखिए, जो पिछली वाली जो क्लास थी, अपने सबसे इम्पोर्टेंट क्लास वो थी अपने साइबर सुरक्षा के अंतर्गत ही, लेकिन जो आज हम क्लास लेने के लिए जा रहे हैं, क्लास साइबर सुरक्षा के पार्ट 8 प्राइवेसी प्रोटेक्शन के अंतर्गत क्लास लेंगे और आप सभी को इसके बारे में अवगत करवाएंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राइवेसी प्रोटेक्शन। सबसे पहले मैं आप सभी को यही कहता हूं कि आप अगर किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जिस टॉपिक का नाम है उस टॉपिक के नाम के अनुसार आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वास्तविकता रूप के अंतर्गत ये टॉपिक हमें क्या बताना चाह रहा है या क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्राइवेसी। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है और वो उस प्राइवेसी को सभी के सामने शेयर करे या न करे, वह डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति के लिए कैसी संभावना है और कैसी कंडीशन है, क्या वह व्यक्ति सही मायने में अपना प्रदर्शन करते हुए सही पा रहा है या गलत पा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक कंपनी की अलग अलग अपनी एक प्राइवेसी होती है और उसके अकॉर्डिंग वह हमेशा कार्य करती ही रहती है, और उस दरमियान यदि किसी भी चीज़ के अंतर्गत उसे देखा जाए तो वह एक प्रारंभिक रूप के अंतर्गत देखने को हमें मिलती है। प्रोटेक्शन, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्रोटेक्शन किसी भी रूप से आपको अगर कहा जाए, प्रोटेक्शन के अंतर्गत प्रोटेक्शन यानी होता है कि उसकी सुरक्षा से रिलेटेड, मतलब गुप्तचर सुरक्षा से रिलेटेड होता है। अब अपन बातचीत करते हैं इसके बारे में। देखिए क्या होता है, चयन की गई सूचना या डाटा, सूचना या डाटा को किसी व्यक्ति या ग्रुप से गुप्त या सुरक्षा अनाधिकृत यूजर को गोपनीय दस्तावेज एक्सेस करने की अनुमति नहीं देता है। प्राइवेसी
जो कि मैंने आपको पहले बताया, प्राइवेसी नियमों तथा कर्तव्यों का एक समूह है जो यह निर्धारित करता है कि अधिकृत यूजर किस सूचना को एक्सेस करेगा। देखिए, अब अपन जो है अपने किसी को प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए कुछ टिप और कुछ गाइडलाइन है, तो उसको अपन कैसे समझ पाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर अपनी प्राइवेसी को सही रखना है, किसी को ज़्यादा जिसको कहते हैं कि मार्केट के अंतर्गत या फिर ज़्यादा किसी को बताना नहीं है, गुप्त रखना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करना अगर अपनी प्राइवेसी को, अपनी प्राइवेसी को कैसे गुप्त रखें उसके बारे में। देखिए, अपने प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले होता है कि अपने जो भी मित्र होते हैं, मित्र उनकी लिस्ट को कम करना। जितने कहते हैं कि लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा अपन को उलझा देती है, क्या होता है, लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझा देती है, मित्र की जो लिस्ट है वो कम करें। कैसे कम करें, इसका एक सबसे, अभी आप सभी ने देखा होगा, सबसे ताजा उदाहरण है कोरोना चल रहा है। अभी कोरोना काफी लोगों के पास बहुत सारे करोड़ों रुपए पड़े, करोड़ों रुपए के अंदर आप सभी के पास पड़े। अब मुझे ये बताओ, आप करोड़ों रुपए के अंतर्गत आपके पास क्या नहीं है, अभी ऑक्सीजन की जो है अभी भी कमी चल रही है। तो आप मुझे ये बताओ, क्या आपके पास पैसे होने के बावजूद भी आपको कोई सुविधा नहीं है, और आपने पैसे किसके लिए कमाए, सुविधा होगी, लेकिन अभी आपके क्या चल रहा है एट प्रेजेंट, इस चीज के अंतर्गत आपको लाभ नहीं है। दूसरी बात, आपके पास अभी व्हाट्सएप के ऊपर अगर देखा जाए तो लगभग 2000 के आसपास लगभग फ्रेंड्स वगैरह होंगे, कॉन्टैक्ट नंबर होंगे। कॉन्टैक्ट नंबर की अगर बातचीत की जाए तो आपके पास लगभग 2000-2500 कॉन्टैक्ट नंबर है। फेसबुक फ्रेंड की अगर बातचीत की जाए तो लगभग आपके पास 3000 फेसबुक फ्रेंड होंगे। लेकिन उस समय जिस समय आप हॉस्पिटल के अंतर्गत एडमिट होते हैं और अगर आप कॉल करते हैं तो मेरे हिसाब से कोरोना का नाम लेते हुए भाग जाते हैं सबके साथ, कोई भी आपके पास नहीं आता। तो हमेशा मैं आपको एक ही कहता हूँ कि हमेशा छोटे जो सिक्के होते हैं, छोटे नोट होते हैं, वही काम आते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार कम से कम मित्र लिस्ट को रखें, उससे आपकी जो प्राइवेसी हमेशा उससे प्रोटेक्ट होती है। कुछ आपके सेंसिटिव डाटा होते हैं, आप उसको कभी भी अपने ईमेल आईडी या फिर उसको कहीं पर भी ऑनलाइन के रूप के अंतर्गत देखा जाए तो उसको नहीं रखें, क्योंकि अगर आप इसको रखेंगे तो इसके लीक होने की पूरी संभावना रहती है। आपके जो भी दस्तावेज है, दस्तावेजों को आपको लग रहा है कि ये मेरे लीक होने के चांसेस है, कोई इसको चुरा सकता है, तो आप हमेशा उसको अपने सिस्टम के अंदर अलग से रखें और वो सिस्टम किसी दूसरे को यूज़ नहीं होने दें, इसका एक विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखें। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका अकाउंट है, आपके जो अकाउंट है वो ज़्यादा ना रखें। अगर ज़्यादा है तो उसको आप जो काम में नहीं आ रहे हैं तो उनको आप तुरंत प्रभाव से डिलीट कर दें, ये आप सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर किसी को पासवर्ड पता चल जाता है तो क्या करता है, आपके इस डाटे के माध्यम से दूसरे को रिक्वेस्ट वगैरह भेजता और उसका मिसयूज होता हुआ दिखता है। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट है,
कि आप हमेशा जो पासवर्ड है किसी की उपस्थिति में पासवर्ड नहीं लगाएं। अगर लगा रहे हैं तो उसको आप प्रत्येक 6 माह के बाद में आप क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे। अगर चेंज नहीं कर रहे हैं तो पासवर्ड आप क्या करेंगे, हमेशा स्ट्रांग बनाएंगे। स्ट्रांग कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे पासवर्ड को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको हमेशा एक काम करना होगा। एक तो आपको लेना है अल्फाबेट, एक लेना है आपको नंबरिकल, एक लेना है आपको स्मॉल सेंटेंस या कैपिटल, और एक आपको लेना है स्पेशल कैरेक्टर। और हमेशा पासवर्ड आपको होना चाहिए 6 लेटर से 8 अंकों के बीच, 8 लेटर्स के बीच होना चाहिए। लेकिन हमेशा कोशिश ये रखो कि आप इस टाइप के पासवर्ड नहीं डालें, जैसे कि आपकी सिटी का नाम है, आपके स्टेट का नाम है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या फिर आपके जो है एनिवर्सरी की डेट है। इस टाइप की आप कभी भी पासवर्ड के अंदर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हैकर्स को पता होता है कि आपके पास क्या क्या है और किस किस रूप के अंतर्गत आप किसका क्या नाम रख रहे हो, तो आपको जल्दी से आपको हैक कर सकता है। ये भी आपके सबसे पहले और यहाँ पर आपकी प्राइवेसी लीक होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, तो इससे हमें हमेशा बचना चाहिए। अब देखिए जो सिक्योरिटी की जो ऑडिट होती है उसको अपन कैसे कर सकते हैं, क्या रहता है उसका जो टारगेट रहता है, उसके बारे में अपन थोड़ी सी बातचीत करते हैं। देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है बात है कि क्या चीज़ अपन को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, वो इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी अपने बात होती है कि अपन उस चीज़ को कैसे निपा रहे हैं, कैसे काम में ले रहे हैं, वो बात होती है। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि किस प्रकार से अपन को उसका यूज लेना है, क्या यूज़ करने का तरीका प्रॉपर वे के अंतर्गत है या नहीं है, वो सब बातें अपन के सामने होती है। अब अपन देखते हैं एक छोटे से रूप के अंतर्गत का, इसके अंतर्गत ही कि सुरक्षा की जो ऑडिट होती है वो अपन क्या करते हैं। देखिए किसी भी काम को करने के बाद में उसका यस या नो या उसका परिणाम या उसका बैलेंस देखते हैं कि इसके क्या फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं, तो देखते हैं अपन इसके सुरक्षा की ऑडिट, मतलब सिक्योरिटी ऑडिट क्या होती है। देखिए एक IT सिस्टम होता है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का एक इंडिपेंडेंट रिव्यू है जो IT सिस्टम की पॉलिसी रिकॉर्ड तथा गतिविधियों की जांच करता है। सुरक्षा ऑडिट हमें आश्वस्त करती है कि संस्था में सुरक्षा पॉलिसी को सही तरीके से लागू किया गया है या नहीं किया गया है। अगर किया गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया गया है तो आपको उसको करने की हमेशा सलाह रहती है कि इसको सही समय पर कर लिया जाए। देखिए अगर काम करते हैं इस प्रकार से, अगर काम करते हैं और सुरक्षा के जो है प्रबंधन के लिए, मतलब मैनेजमेंट के लिए अगर हमेशा अपन एक कोई आदमी को हायर कर देते हैं मैनेजमेंट के जो प्रबंध, इसके लिए अपन एक प्रबंधक को अगर लगा देते हैं तो अपना जो डाटा है लीक होने से, यानी कि चोरी होने से क्या हो सकता है, बच सकता है। चोरी होने से क्या हो सकता है, आपके बच सकता है। और इसको बचाने हमारा क्या होता है, परम सबसे इम्पोर्टेंट मतलब जो अपना उद्देश्य होता है वो अपने इसके अंतर्गत। देखिए अब होती है संस्था की जो सिक्योरिटी का आंतरिक कारणों को समझने में अपने जो मदद करती है वो होती है आपके ऑडिट, जांच, संस्था की सिक्योरिटी, ये सारे के सारे जो मामले होते हैं वो इसको होते हैं और इसमें मदद करती है। तो बाहरी पार्टी आपको सुरक्षा प्रदान करती है। अब देखिए कंप्यूटर की जो सुरक्षा क्या है वो अपन देख लेते हैं। देखिए बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, जो कंप्यूटर की जो सुरक्षा होती है वो क्या होता है कि कंप्यूटर की जो सुरक्षा होती है वो होती है आपके IT की जो मैनेजमेंट सेल होती है उसको दे दिया जाता है, और उस मैनेजमेंट सेल के अंतर्गत एक अलग से आपके सिस्टम मैनेजर की व्यवस्था होती है। और सिस्टम मैनेजर होता है वो क्या करता है, सारे के सारे जो सिस्टम होता है उन सब के ऊपर कमांडिंग रखता है और ध्यान रखता है। अगर कोई किसी भी कैंडिडेट के अगर कोई दिक्कत हो, जैसे कि यहाँ पर सिस्टम यहाँ पर सर्वर रूम बना हुआ है, ठीक है ना, और इस अगर सर्वर रूम के अंतर्गत वो सिस्टम मैनेजर क्या करेगा, जहाँ जहाँ पर इंटरनेट की व्यवस्था मतलब नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा पार्ट, और जहाँ जहाँ पर जो सिस्टम जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर क्या करेगा वो सर्वर मैनेजर कि इन सबके सिस्टम के ऊपर ध्यान रखेगा कि सबका काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर कहीं पर भी किसी को भी कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो इसमें से कैंडिडेट क्या करेंगे,
डायरेक्ट इनसे, अगर जो यहाँ बैठा कैंडिडेट इसको यहाँ से पूछने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वो यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं कि सर ये दिक्कत हो रही है और आप हमें इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो, नो डाउट वो आपको क्लियर कर देंगे। क्योंकि ये असिस्टेंट मैनेजर जो होते हैं उनके अलग अलग वे के अंदर जब भी काम चलता है तो उसका आधा आधा पार्ट के अंदर पार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो ऑफिस का टाइम होता है वो होता है आपके 10 से 5 का, लेकिन सिस्टम मैनेजर हमेशा क्या करते हैं इन पाँचों में से या इन छः में से कोई ना कोई होशियार बंदा होता है उसको समझा देते हैं कि भाई ऐसे सिस्टम को चालू करना है और ऐसे अगर कोई छोटी बड़ी प्रॉब्लम आए तो वो उसको क्या कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं, तो उसको समझा देता है और समझाने के बाद में ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है वो आपके इसके अंदर चालू हो जाता है। और इस प्रकार से कार्य करने के बाद में एक तय सीमा होती है, अगर कोई ज़्यादा दिक्कत आती है तो उसको आगे जो है हेड ऑफिस होता है उसके ऊपर उनको मेल करनी होती है। तो आपने देखा अभी कि भाई प्राइवेसी प्रोटेक्शन के अंतर्गत अपन किस प्रकार से सुरक्षा को समझ सकते हैं और अपनी जो भी गुप्तचर क्रिया है उसको गुप्त रख सकते हैं, लोगों के सामने नहीं करें, चाहे वो कंपनी हो, चाहे व्यवसाय प्रतिष्ठा हो, चाहे संस्थान हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वे बच्चे सके। तो धन्यवाद साथियों, अगर मुझे अच्छी तरह से पता है आपको ये क्लास अगर अच्छी लगे तो आप इसे आगे शेयर करें और इस चैनल को अधिक से अधिक ग्रुप के अंदर शेयर करें और सब्सक्राइब के लिए अधिक से अधिक प्रेरित करें। ये हमारी एक छोटी सी मेहनत है और एक छोटी सी एक रूपरेखा है, मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि हमें हमेशा जो है छोटे नोट ही हमारे जिंदगी के अंदर काम आते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारी एक छोटी सी मेहनत है, छोटी सी एक कोशिश है, तो जरूर ये सफल होगी। धन्यवाद, आप सभी घर में रहें और सरकार के द्वारा दिए गए जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें। धन्यवाद, और इसी के साथ जय हिंद।